देश एक बार फिर से शहीद लेफ्टिनेंट उमर फयाज को याद कर रहा है, क्योंकि भारतीय सेना में जम्मू कश्मीर के 11 जाबाज शामिल किए गए हैं। इन शूरवीरों में शहीद फयाज का अक्स दिखता है। ये फौज के नए फयाज हैं। ये जम्मू कश्मीर के पत्थरबाज नहीं, जाबाज हैं। ये जम्मू कश्मीर की नई उम्मीद है, नए फयाज हैं। वहाँ के यूथ को हम जैसे लोगों को देखना चाहिए। यहाँ के जो लोग फील्ड में हैं या जो जो अच्छी पढ़ाई करते हैं, उनको उन चीजों का देखना चाहिए। जम्मू कश्मीर के 11 योद्धा करेंगे देश की रक्षा। बेकार नहीं गई उमर फयाज की कुर्बानी। जहाँ भी मुझे इन नामी भेजेगी, मैं रेडी हूँ और मैं पूरा अपना अच्छी तरह से काम करूँगा। जम्मू कश्मीर के जाबाजों को फयाज पर फख्र है। लेफ्टिनेंट उमर फयाज थे, वो मेरे साथ ही इंडिया में थे। उमर के दोस्त लेंगे शहादत का बदला। एजुकेशन नहीं है, इसलिए वो पत्थरबाजी पे आ रहे हैं। एजुकेशन हो तो पत्थरबाजी नहीं करेंगे। फौज के नए फयाज। महज 23 साल की उम्र में ही लेफ्टिनेंट फयाज देश पर कुर्बान हो गए। आज अगर जम्मू कश्मीर के उमर फयाज जिंदा होते तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता, क्योंकि भारतीय सेना में जम्मू कश्मीर से 11 अफसर शामिल हुए हैं। इन 11 जाबाजों की कल ही पासिंग आउट परेड हुई है। ये सभी लेफ्टिनेंट फयाज को जानते थे, कुछ तो फयाज के दोस्त हैं। इन सबको शहीद फयाज पर फख्र है, दिल में फयाज की शहादत का बदला लेने का जुनून भी है। लेफ्टिनेंट फयाज इन सबके रोल मॉडल हैं और डोडा के शाहनवाज और जम्मू के आशु समेत 11 अफसर हैं जो जम्मू कश्मीर से अफसर बने हैं। इनका मानना है कि कश्मीर के युवा फयाज को अपना रोल मॉडल बनाएंगे। पत्थरबाजी को छोड़कर पढ़ाई करेंगे, तभी कश्मीर सही मायनों में जन्नत बनेगा। मेरा नाम लेफ्टिनेंट शाहनवाज है। मैं जम्मू एंड कश्मीर डिस्ट्रिक्ट डोडा से हूँ। मैं पहले आर्मी में ही था, फिर उसके बाद मैंने सर्विस कमीशन लिया हुआ है। हाँ, फिर मैं यहाँ पे इंडियन मिलिट्री अकेडमी, मैंने 4 साल अभी ट्रेनिंग की और 4 साल के बाद अभी मैं पास आउट हो रहा हूँ। कश्मीर के हालात पर क्या कहेंगे? यूथ को हम वहाँ पे, वहाँ के यूथ को हम जैसे लोगों को देखना चाहिए। यहाँ पे जो लोग यहाँ पे जैसे गवर्नमेंट के साथ जो यहाँ पे हम जो लोग यहाँ वहाँ सर्विस करते हैं आर्मी में, जो लोग फील्ड में हैं या जो जो अच्छी पढ़ाई करते हैं, उनको उन चीज़ों का देखना चाहिए। उनको वो नहीं देखना चाहिए जो लोग बेकार लोग करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। इंडियन आर्मी के ऑफिसर बनना बहुत अव्वल दर्जे का न्योता दिया गया है मुझे और मैं इस लायक बना, मुझे बहुत खुशी है। यूथ को हम यही मैसेज देना चाहूँगा कि एजुकेशन इज अ थिंग। एजुकेशन नहीं है, इसलिए वो पत्थरबाजी पे आ रहे हैं। जब एजुकेशन हो तो पत्थरबाजी नहीं करेंगे। और उनको ये मोटिवेट करूँगा, जो लेफ्टिनेंट उमर फयाज थे वो मेरे साथ ही इंडिया में थे और उनके साथ जो हुआ बहुत हार्टनिंग, बहुत दुख भरा वो था। बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि आर्मी को, आर्मी उनका सपोर्ट कर रही है तो वो बदले में हमें भी सपोर्ट करें। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के युवा देश की सेवा करना चाहते हैं। In the Indian Military Academy, 14 were selected in the civil service exam, and when you had the interview for or a selection process for just 800 posts of police sub inspector, you had a crowd of as many as 68,000 young boys and girls. जम्मू कश्मीर के 11 जाबाज के अलावा पूरे देश से 412 अफसर सेना में शामिल हो गए हैं। ये सभी शूरवीर देश के लिए मर मिटने को तैयार हैं। आज आपको सेना के इन युवा जाबाजों की दहाड़ जरूर सुननी चाहिए। ये लम्हा खास है।
इसलिए जश्न भी खास होना जरूरी है। आखिर इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 1.5 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद ये लम्हा आया है। धूप, गर्मी, बारिश और सर्द मौसम की हर चुनौती को नाकाम कर इन 423 कैडेट्स ने सेना का अफसर बनने का मुकाम हासिल कर ही लिया। भारत के मित्र देशों के 67 कैडेट्स ने भी खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित किया। पासिंग आउट परेड में भारत माता तेरी कसम तेरे रक्षक बनेंगे हम की धुन पर इन कैडेट्स की कदम ताल दिखी। और फिर वो लम्हा भी आया जब उन्होंने वो आखिरी पग भी पार किया जिसने उनकी पहचान बदल दी, उन्हें एक कैडेट से भारतीय सेना का अफसर बना दिया। I have completed my 7 years of training and last 11 years was very tough. मैं बहुत उत्साहित हूँ, यहाँ पे ट्रेनिंग तो काफी होती है। एकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान भारतीय सेना का हिस्सा बने इन कैडेट्स ने एकेडमी के सूत्र वाक्य वीरता और विवेक को हर पल जिया। अब चुनौती एकेडमी के सिद्धांत देश की सुरक्षा सम्मान और सलामती पहले हर लम्हा हर क्षण को हर वक्त याद रखने की है। देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी का इतिहास काफी पुराना रहा है। अब तक करीब 60,000 कैडेट ट्रेनिंग ले चुके हैं। पिछले 10 साल में आबादी के हिसाब से सबसे ज्यादा कैडेट देने वाला राज्य उत्तराखंड रहा है। इस साल पास आउट होने वाले सबसे ज्यादा 74 कैडेट उत्तर प्रदेश से हैं।